dear students in this module we are going to talk about george herbert mead and the role-taking as a process of socialization role-taking refers to the ability to see oneself from the perspective of other person and take on the roles of other people george herbert mead ka focus is socialization process ke andar कौन सा ऐसा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसकी वजह से हम उसी तरह से सोशलाइज होते हैं जैसे कि बाकी लोग हमें सोशलाइज करना चाहते हैं उसका ये ख्याल था कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक रोल टेकिंग प्रोसेस के अंदर इंगेज होते हैं दूसरों को हम जैसे ऑब्जर्व करते हैं जज करते हैं हम उसी तरह से उनके बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं सो ही बिलीव दैट रोल टेकिंग इज़ अ अशल कंपोनेंट ऑफ socialization एंड allows individuals टू अंडरस्टैंड एंड anticipate द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल सो हम हमारी बिहेवियर के अंदर जो एक important फैक्टर है वो ये है कि हम improvise कर सकते होते हैं anticipate कर सकते होते हैं जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो खेलते हुए मुख्तलिफ तरह के रोल्स जो हैं परफॉर्म करते हैं कभी वो मामा बाबा बन जाते हैं कभी वो टीचर बन जाते हैं कभी डॉक्टर बन जाते हैं तो ये रोल टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके सोशलाइजेशन प्रोसेस के लिए सो मीड बिलीव दैट द रोल टेकिंग अलाउज इंडिविजुअल्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ दैट इज़ बेस्ड ऑन द अदर पीपल सो वाइल हैविंग दिज रोल्स वाइल परफॉर्मिंग रोल्स व्हाट वी एक्चुअली डू एक्चुअली वी आर मीटिंग द अदर पीपल हम हमारे जहन में ये होता है के लोग मेरे इस रोल के हवाले से मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस होंगी उसी तरह का हमारा हमारी रोल परफॉर्मेविटी हो होगी सो इन दिस अप्रोच सोशलाइजेशन इन टू द सेल्फ एंड माइंड इज़ व्यूड एज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू टेक ऑन द रोल्स एंड अदर पीपल एंड इंटीग्रेटिंग दोज रोल्स इन टू वन ऑन सेंस ऑफ सेल्फ तो जैसे जैसे हम उन एक्सपेक्टेशंस को माशरे की उन एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्लोर करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे बिहेवियर्स के अंदर जो हैं उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है हाउ एवर वन ऑफ़ द लिमिटेशन ऑफ दिस परेंड्स टू डाउन प्ले द वेज इन विच इंडिविजुअल्स कैन रिजिस्ट एंड चैलेंज द एंड रोल्स असाइन टू दैम ऐसा नहीं होता कि तसलसल के साथ हम मुशरे की एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही पूरा उतरने की कोशिश करते हैं हम रजिस्ट भी करते हैं डिविएट भी करते हैं तो ये जो रजिस्टेंस और डिविएटिंग प्रोसेस होते हैं ये उन रोल्स के हवाले से शायद कुछ नई एक्सपेक्टेशंस भी डेवलप कर देते हैं तो मीट की ये थीरी इस हवाले से थोड़ी डाउन uh, प्ले करती है उस रजिस्टेंस के फैक्टर को हाउ एवर इन अचुरल इफ़ यू सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट to understand that how uh, our role taking process help us building our own personalities